दोस्तों मैदा का डो बनाने का एक फर्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। एक कटोरी मैदा है, एक कटोरी मैदा के हिसाब से मैं आपको डो तैयार करना बताती हूँ। एक कटोरी मैदा है और एक मैं गुजिया के लिए डो तैयार कर रही हूँ, पर मैं बताती जाऊंगी हर चीज का डो कैसे तैयार करना है। जो गुजिया का है, मीठी चीज बन रही है, तो इसमें एक कटोरी में हम आधा चम्मच नमक डालेंगे। यदि नमकीन चीज बनाते हैं हम कोई, जैसे नमक पारे हैं, कचौड़ी है, समोसा है, तो उसमें फिर हमें एक चम्मच नमक की जरूरत पड़ेगी। एक कटोरी मैदा में, जैसे एक कटोरी ये मैदा थी, तो एक कटोरी मैदा में मैंने उसी कटोरी से चौथाई चम्मच, चौथाई कटोरी से भी कम घी लिया है। ये हम मीठी चीज बना रहे हैं, गुजिया की डो तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम घी ले रहे हैं। समोसा है, नमक पा रहे हैं, उसमें हम तेल का मौन देते हैं, तो उसमें भी हमें चौथाई चम्मच तेल लेना रहेगा, चौथाई कटोरी। अब हम इसको अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे। और जब घी का मौन देते हैं तो हल्का सा गुनगुना पानी हम लेते हैं। तो अभी हम ये गुजिया का डो तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने घी लिया है इसमें। अब हो गया हमारा स्टेप वन। भले हम छोला भटूरे बनाते हैं, छोला कुलचे बनाते हैं, या फिर नमक पारे, शक्कर पारे, गुजिया, बालूशाही, जो भी बनाते हैं, आज हम उसी बात को लेकर आपको डो बनाना बता रहे हैं कि डो हमें कैसे तैयार करना रहता है। अब ये हमारा स्टेप वन हो गया। अब स्टेप टू हमारा ये रहेगा, जब ये वेल मिक्स हो गया है, अब हम इसे गुनगुना पानी लेंगे और थोड़ा सा डालेंगे। गुजिया का थोड़ा सा टाइट डो रहता है, तो अभी हम टाइट डो तैयार करेंगे। जैसे कचौड़ी का डो बनाते हैं, या कुलचे का बनाते हैं, या भटूरे का, उसमें हमें थोड़ा सा गीला डो तैयार करना रहता है। तो जी हमें डो मसलना कैसे है, मेन बात हम आज आपको वो बताना चाह रही हूँ। जितने हल्के हाथों से हम डो तैयार करेंगे, हमारी रेसिपी, हमारी चीजें उतनी ही अच्छी बनती हैं। इसमें हमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाना है। जितना भी हम, जो भी जिस चीज के लिए डो तैयार करते हैं, सिर्फ हमें उंगलियों से मसलना रहता है आटा। जितनी देर भी मसलेंगे हम ये आटे को, उंगलियों से मसलेंगे। जैसे हम इसको ऐसे इस टाइप से, अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा इस टाइप से ये रॉन्ग है, इस टाइप से नहीं मसलना है हमें। जब भी डो तैयार करना है, हमें उंगलियों से ही मसल के तैयार करना है। उसका कारण भी मैं आपको बताती जा रही हूँ। क्या है, मैदा रहती पतली, बिल्कुल बारीक रहती हो, जितना हम इसको मसलते हैं उतना ज्यादा इसका, जो अभी देखिए इसमें पूरी ये जाली दिख रही है, और जितना ज्यादा हम उसको मसलते जाते हैं, उसका जो जाली है, खस्तापन है, वो खत्म होता जाता है। वो एक रबड़ का, इलास्टिक का रूप ले लेता है। तो जो चीज हम बनाना चाहते हैं, उसमें मौन भी ज्यादा लगता है, और जो चीज बनाना चाह रहे हैं, बहुत ही टेस्टी और अच्छी नहीं बनती है। तो अभी हमने ये सब उंगलियों के द्वारा पूरा डो तैयार किया है, और जितनी देर के लिए हमें 20 मिनट 25 मिनट के लिए डो रखना है, तो हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हम फिर एक बार उसको हाथ करके फिर उसको सही करते हैं, फिर एक बार सही करते हैं, तो ऐसा हमें सही नहीं करना। जैसे अभी हमने गुजिया के लिए बनाया है, तो हमें मालूम है हमें गुजियों के लिए लोई इतनी छोटी चाहिए है, तो हम सारी लोई अभी 20 मिनट पहले ही डो तैयार करते समय रख देंगे। जैसे मालूम है हमें नमक पारे बनाना है, तो नमक के पारे के लिए करीब हमें इस साइज की लोई की जरूरत पड़ती है, तो हम पूरी लोई इस समय बना के रख देंगे। ऐसा कर रहे हैं, फिर उसको ऐसे कर रहे हैं, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, हाथ भी नहीं लगाना, डायरेक्ट पहले ही लोई बनाई, जिस साइज की हमें लोई चाहिए उस साइज की हम लोई बनाकर रख देंगे। जी अभी हमने डो तैयार कर दिया है। अब इस हिसाब से हमें, जैसे अभी हमें गुजिया की तैयारी करना है, तो हम पूरी लोई अभी पूरी बना के रख देंगे। फिर 20 मिनट बाद हम गुजिया बनाएंगे, तो सिर्फ हमको इसको बेलना रहेगा, अब हम एक सा नहीं करना रहेगा।
तो ये हमने जब डो तैयार किया था मेहंदी का उसी समय लोई बना दी थी। 20 मिनट बाद हम बनाना शुरू करते हैं, आपको बेलकर बताते हैं। अभी हमें अब कुछ करने ही नहीं है, लोई पहले ही बना दी थी हम। देखिए बिल्कुल आसानी से बिल जाती है, समटती नहीं है, क्योंकि मैदा यदि पतली रहती है और हम इसको जितना ज्यादा मसलते हैं उतना ज्यादा ये समटने लगती है, इसलिए हल्के हाथों से बनाना रहती है। देखिए कितने आराम से ये बिल रही है। दोस्तों आज हमने आपको मैदे का डो कैसे तैयार करना है, भले आप कोई सी भी चीज बनाए नमकीन या मीठा, तो हर प्रकार से मैदे को कैसे तैयार करना है मैंने आज आपको बताया है। और मैं एक नई वीडियो के साथ दोस्तों फिर मिलूंगी। नमस्ते।